जबलपुर से बड़ी खबर, जहां संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा को बड़ी राहत मिली है। भोपाल में दर्ज मामले पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला था। 2018 में नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर संबित ने सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भोपाल जिला कोर्ट ने पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। तो जिला कोर्ट के फैसले को संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और एमपी नगर थाने में संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज है। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक के बाद अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर जबलपुर से, जहां संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा को बड़ी राहत मिली है। भोपाल में दर्ज मामले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला था। 2018 में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर संबित ने सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि बहुत चर्चा में था। भोपाल जिला कोर्ट ने पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जिला कोर्ट के फैसले को संबित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एमपी नगर थाने में संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, ये बहुत चर्चित मामला था जब संबित पात्रा ने सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ये कार्रवाई, तो क्या कुछ राहत मिली है? जी हाँ राहुल, आपको बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 482 में ये प्रोविजन होता है कि निचली अदालत में चल रही किसी कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसी 482 सीआरपीसी के तहत संबित पात्रा की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जो आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया उसमें प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 188 आईपीसी की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया, इसमें कोई कंप्लेनेंट तो नहीं था। सुमोटो लेते हुए, छोटा संज्ञान लेते हुए भोपाल पुलिस ने एमपी नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की थी जिसे सही नहीं माना जा सकता। इन तमाम दलीलों के साथ हाईकोर्ट की शरण ली थी संबित पात्रा ने और आज उनको एक तरह से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल जिला अदालत ने में इस मामले पर जारी तमाम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दूं आपको कि इस मामले में जो पुलिस की ओर से चालान पेश किया गया था उसके बाद भोपाल जिला अदालत ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था उस पर भी अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इस पूरे मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में चलेगी। लेकिन निचली अदालत पर पूरी कार्रवाई स्टे होने की वजह से माना जा सकता है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, उनको ये फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले पर सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में आगे की जाएगी। चलिए विजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी राहत यहाँ पर संबित पात्रा को मिली है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर संबित पात्रा ने सड़क पर पीसी ली थी और जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले में बड़ी राहत यहाँ पर हाईकोर्ट से मिली है संबित पात्रा को। जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट गए थे जहां से इस वक्त फौरी तौर पर उन्हें राहत मिली।